बिहार के रेगिस्तान में खजूर एवं अनार की बंपर पैदावार के बाद अब आम के पेड़ लग रहे हैं। राय कॉलोनी क्षेत्र में एक मकान मालिक ने अपने घर के पास ही आम के पेड़ लगाए हैं। इनके अनुसार कई वर्षों से ये आम के पेड़ लगाने का प्रयास कर रहे थे, वहीं अब इन पेड़ों पर आम लगने शुरू हो गए हैं। बाड़मेर से अशोक दहिया की रिपोर्ट। कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया प्रयास एक ना एक दिन रंग जरूर लाता है। मरुस्थलीय बाड़मेर में आज तक आपने खजूर अनार के बारे में सुना होगा, लेकिन शुष्क वातावरण क्षेत्र में आम उगना सोचने में भी थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन बाड़मेर में एक बालिका की 6 साल की मेहनत रंग लाई और अब आम के पेड़ पर आम लगने शुरू हो गए। बाड़मेर शहर के राय कॉलोनी इलाके में पावर हाउस के पास की रविशंकर सोनी की बेटिया लता ने अपने घर बगीचे में करीब 8 वर्ष पहले आम की गुठली को बोया और लगातार उसे पानी से सींचा। थोड़े समय बाद पौधा निकला और करीब 6 वर्ष की देखरेख के चलते आम का पौधा पेड़ में परिवर्तित हो गया और पेड़ पर पहले कैरियां लगने लगी और पिछले 2 साल से भारी मात्रा में आम इस पेड़ पर लग रहे हैं। साथ ही घर में लगाए पेड़ पौधे भी अब लहराते नजर आ रहे हैं और पौधों पर लगे पुष्प की सुगंध घर को महका रही है। एक दिन मुझे दिमाग में आया कि मुझे मेरे घर में आम का पेड़ लगाना चाहिए। तब मैंने गुठली को उसके अंदर डाला और 8 साल तक उसका मैंने पूरा ध्यान केयर वगैरह उस पर पूरी की। तब थोड़े दिन बाद में मुझे उस पर कैरियाँ मिलने लगी। कैरियाँ मिलते मिलते मुझे इतना एहसास हो गया है कि मुझे थोड़े दिनों बाद मुझे आम भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कितना प्रयास किया और इतना प्रयास किया कि इसकी गुठलियाँ भी आ गई, इस पर आम आ गए और अब धीरे कैरी आ गई और अब इस पर धीरे धीरे आम आने लग जाएंगे और मुझे मार्केट से अब आम खरीदने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा क्या क्या पौधे उगा रखे हैं? इसके अलावा मेरे घर में एक आम का पेड़ है, नींबू का पेड़ है और गुलाब का पौधा लगा हुआ है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे घर में लगी हुई है और मुझे पेड़ पौधों का शुरू से ही शौक है। लता सोनी बताती हैं कि उसे शुरू से पेड़ पौधे लगाने का शौक था, इसलिए उसने अपने घर में तुलसी, नीम, गुलाब, नींबू आदि के पौधे लगाए। एक दिन उसने आम की गुठली को भी घर के बगीचे में बो दिया। गुठली से पौधा और पौधे से पेड़ उगने में करीब 6 वर्ष का वक्त लगा और वो लगातार पेड़ को पानी पिलाती रही। अब पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ पर भारी मात्रा में कच्चे आम लगने लगे हैं और वो बहुत खुश है क्योंकि अब उन्हें बाजार से आम खरीदने नहीं पड़ते। गौरतलब है कि आम का पेड़ अधिकतर दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी से उत्तर में हिमालय की तराई में तथा पश्चिम में पंजाब से पूर्व में आसाम तक अधिकता से होता है। अनुकूल जलवायु मिलने पर इसका वृक्ष 50 से 60 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यहां भी शोक में घर के बगीचे में लता सोनी द्वारा लगाया पेड़ न सिर्फ घर परिवार को हर वर्ष आम दे रहा है बल्कि घर में महकता छोटा सा बगीचा और उसमें लगा आम का पेड़ जो इन दिनों पूरा आम से भरा हुआ है, ये नजारा पूरे परिवार को सुकून भी दे रहा है और संदेश भी कि थार में भी लता की तरह मेहनत की जाए तो ये शौक आय का जरिया भी बन सकता है।